Hello students, welcome to NCERT Solutions class 11 and 12 and we are discussing our questions of chapter structure of an atom and अब हम बात करेंगे question number 2.14 की जिसमें हमसे पूछा है कि अगर हमें hydrogen atom के n is equal to 5 fifth orbital से electron को हमें ionize करना हो, remove करना हो तो कितनी energy लगेगी? पहले तो वो calculate करना है and फिर हमें उसे compare करना है with the ionization enthalpy of hydrogen atom. तो सबसे पहले हमें एक जनरल फॉर्मूला पता होना चाहिए कि आयनाइजेशन एनर्जी जो भी फ्रॉम एनी एन ऑर्बिटल जो भी इलेक्ट्रॉन निकालना है सो वो क्या रहती है -21.8 × 10⁻¹⁹ डिवाइडेड बाय एन स्क्वायर. नाउ व्हाट इज स्क्वायर? एन स्क्वायर एन कुछ भी वैल्यू हो सकती है डिपेंडिंग अपॉन आप कौन सा इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हो, जाउल्स पर एटम. अब हमारे पास अगर फिफ्थ ऑर्बिटल से इलेक्ट्रॉन निकालना है फ्रॉम एन इज इक्वल टू 5 तो वो क्या आ जाएगा मेरे पास, डेल्टा ई की वैल्यू जो एनर्जी रिक्वायर्ड रहेगी रिमूव करने के लिए इट कम्स आउट टू बी -21.8 × 10⁻¹⁹ स्क्वायर इज इक्वल टू 1/5 स्क्वायर. सो दिस इज द वैल्यू दैट आई एम गेटिंग. सो यहाँ पर इनको करने के बाद कैलकुलेट मेरे पास आंसर आता है 8.72 × 10⁻²⁻¹⁰ जाउल्स. सो ये वैल्यू तो आती है मेरी n इज इक्वल टू 5 क्योंकि इलेक्ट्रॉन को हमें निकाल कर इन्फिनिटी तक लेके जाना है. नाउ व्हाट इज द आयनाइजेशन एनर्जी फॉर रिमूवल ऑफ फर्स्ट इलेक्ट्रॉन, सो वो क्या आएगा -21.8, उसे भी हमें इन्फिनिटी तक लेके जाना है फर्स्ट ऑर्बिटल से निकलवा कर, सो दैट इज 1.1/1 स्क्वायर. सो ये वैल्यू तो इतनी रह जाती है, ओके देयर इज 10⁻¹⁹ सो ये वैल्यू मेरे पास कितनी आती है यहाँ पर e की वैल्यू जिसे मैं e डेल्टा e 1 भी कंसीडर कर सकती हूँ. सो दिस कम्स आउट टू बी -21.8 × 10⁻¹⁹ जाउल. सो ये दो वैल्यूज आ गई बट हमें इनको कंपेयर करना है आपस में. सो व्हाट आई हैव टू डू, जो भी मेरे पास आयनाइजेशन एनर्जी है टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन ऑर्बिटल डिवाइडेड बाई जितनी मुझे फिफ्थ ऑर्बिटल से निकालने के लिए लगी थी. सो क्या आएगा -21.8 × 10⁻¹⁹ जाउल डिवाइडेड बाय व्हाट इज द वैल्यू 8.72 −8.72 × 10⁻²⁻¹⁰ जाउल. सो दिस कम्स आउट टू बी 25. सो अगर मुझे इलेक्ट्रॉन निकालना है फ्रॉम फिफ्थ ऑर्बिटल तो मेरी 25 टाइम्स ज्यादा एनर्जी यूज होगी टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम हाइड्रोजन एटम. सो आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग.